सैमसंग लवर्स आ जाओ, आगे सभी नाम सुनते ही रहा ही नहीं जाता, सैमसंग में बात ही कुछ ऐसी है। सो वेल, आज की इस वीडियो में हमने तीन स्मार्टफोन सिलेक्ट किए सैमसंग की तरफ से 15,000 के बजट में। दोस्तों, इन सभी स्मार्टफोन में आपको टॉप क्लास लेवल का परफॉर्मेंस का प्रोसेसर मिल जाएगा, बेस्ट डिस्प्ले मिल जाएगी, ऑसम कैमरा मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 15,000 के बजट में एक सैमसंग का स्मार्टफोन परचेस करना चाह रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टैक्स रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहता है। तो टाइम की वैल्यू समझते हुए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है शैलेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफैक्ट क्लब में। तो दोस्तों, सभी स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से हैं, तो हमने इनको रैंकिंग इनके प्राइस के अकॉर्डिंग दी है। तो हमारी लिस्ट में नंबर थर्ड पोजीशन पर आने वाला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M13। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की लुकिंग वाइज जब बात करेंगे तो आपको इस स्मार्टफोन में ओल्ड लुक देखने को मिल सकता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको इसमें प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, 3.5 mm का जैक मिल जाता है और साइड माउंटेन आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप दो सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं और सिंगल बॉटम स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। तो लुकिंग वाइज भी स्मार्टफोन काफी डिसेंट है, बट आपको ओल्ड डिजाइन इसमें देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं इसकी अदर स्पेसिफिकेशन की। तो आपको इसमें 6.5 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और 180Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है और 400 nits की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज भी स्मार्टफोन काफी अच्छा है। और इसमें आपको पीछे के साइड में डबल कैमरे का सेटअप मिल जाता है जिसमें 50MP का आपको प्राइमरी लेंस मिल जाता है और 2MP का आपको जिसमें आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पे और 5MP का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो कैमरा वाइज इस स्मार्टफोन को आप देखेंगे तो आपको एवरेज कैमरा इसमें मिलने वाला है, हाई लेवल का कैमरा नहीं मिलेगा। बजट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक कैमरा मिलेगा, बट इसकी फोटोज वगैरह एवरेज ही आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन प्रोसेसर की। तो आपको इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 7nm फैब्रिकेशन में बना हुआ चिपसेट है। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 3 लाख समथिंग आपको अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। Android 12 बेस स्मार्टफोन आता है और One UI Core 4 आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर वाइज ये स्मार्टफोन काफी स्ट्रॉन्ग है। इस स्मार्टफोन में आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको काफी अच्छी फीलिंग आने वाली है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और आपको 15W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है जो कि टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 666 वाला वेरियंट आपको 11,999 में देखने को मिल जाएगा और 6128 वाला वेरियंट आपको 13,999 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, 15,000 के बजट में ये एक बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आने वाले स्मार्टफोन, वो है सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। दोस्तों, ये एक 4G वेरिएंट है। अब इस स्मार्टफोन की लुकिंग वाइज बात करें तो लुकिंग वाइज आपको ये काफी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। 9.3mm की थिकनेस के साथ आता है, 196g इस स्मार्टफोन का वेट है। हल्का सा आपको वल्की तो ये स्मार्टफोन लगेगा, बट इन हैंड फीलिंग आपको काफी बेहतरीन देने वाला है। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट मिल जाता है, 3.5mm का जैक मिल जाता है और सिंगल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 पर ये स्मार्टफोन बेस आता है, बट आप इसको परचेस करते ही आपको एंड्रॉइड 12 की अपडेट इस स्मार्टफोन में मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें 6.4 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ और आपको 180Hz का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है और 600 निट्स की आपको इस स्मार्टफोन ब्राइटनेस मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन हो जाता है 15,000 के बजट में। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे की। तो आपको इसमें बैक साइड में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है जिसमें 64MP का आपको प्राइमरी लेंस मिल जाता है, 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो, 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। आप इस स्मार्टफोन से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पे। 20MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है और इससे भी आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पे। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे की क्वालिटी की। तो आपको इस स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी इस बजट रेंज में काफी अच्छी मिलने वाली है। आप दिन में या रात में आप वीडियो या फोटो क्लिक करते हैं तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो इस बजट में आपको सैमसंग की तरफ से ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन मिलने वाला है 15,000 में। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें मीडियाटेक G80 4G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 12nm फैब्रिकेशन में ये बना हुआ चिपसेट है, 2 लाख समथिंग के अंतर तो उसको आपको देखने को मिल जाते हैं। LPDDR4X रैम मिल जाती है, eMMC 5.1 की स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर वाइज इस स्मार्टफोन को देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, बट आप इस स्मार्टफोन को कैमरे वाइज या डिस्प्ले वाइज
आप परचेस कर सकते हैं, आप फुल्ली सेटिस्फाई रहेंगे। 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 15 W का चार्जिंग मिल जाता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स की, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 666 वाला वेरियंट आपको 13,499 रुपये में देखने को मिल जाएगा और 6128 वाला वेरियंट आपको 15,499 रुपये में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फाइनली बात करते हैं हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आने वाले स्मार्टफोन की, वो है सैमसंग गैलेक्सी F42 5G। दोस्तों ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा 15,000 के बजट में। इस स्मार्टफोन की लुकिंग वाइज बात करें तो आपको 9 mm की थिकनेस के साथ ये स्मार्टफोन मिल जाता है। दोस्तों 3 ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट है, तो हल्का सा ये स्मार्टफोन आपको वल्की तो लगेगा बट लुकिंग वाइज ये स्मार्टफोन काफी ठीक ठाक है। दोस्तों 3.5 mm का जैक मिल जाता है और साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है। सिंगल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है जिसमें 2 SIM कार्ड एंड 1 मेमोरी कार्ड आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो आपको इसमें 6.4 इंच की FHD+IPS डिस्प्ले मिल जाती है 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो डिस्प्ले भी इसकी ठीक ठाक है इस बजट रेंज के अकॉर्डिंग। और इस स्मार्टफोन में आपको पीछे की साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल जाता है जिसमें 64 MP का आपको प्राइमरी लेंस, 5 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का आपको डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है। 1152 वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप 30 FPS पे। 8 MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप 30 FPS पे। तो कैमरे वाइज आप इस स्मार्टफोन को देखेंगे तो आपको इस स्मार्टफोन का कैमरा एवरेज ही मिलने वाला है। तो आप इस स्मार्टफोन को कैमरे वाइज परचेज ना करें बट प्रोसेसर वाइज आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 7 nm फैब्रिकेशन में बना हुआ चिपसेट है, तो आपको हीटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आप अच्छी गेमिंग इस स्मार्टफोन से कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 पे बेस स्मार्टफोन आता है, 1 UI 3.1 आपको देखने को मिल जाती है। LPDDR4X की रैम भी आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर वाइज ऑल ओवर आप प्रोसेसर वाइज इस स्मार्टफोन को देखेंगे तो आपको ये बेस्ट स्मार्टफोन मिलेगा 15,000 के बजट में। बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 15 W चार्जिंग के साथ, जो कि टाइप सी चार्जर को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोज एंड कॉन्स की, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 15,900 के समथिंग देखने को मिल जाएगा। और आपको कोई बैंक ऑफर या कूपन वगैरह मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो आपको ये स्मार्टफोन 14,000 या 14,500 रुपए में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस किए सैमसंग की तरफ से आने वाले 3 स्मार्टफोन 15,000 के बजट में। आपको इन तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑलवेज हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टैक्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहता है। और दोस्तों यदि आप 15,000 के बजट में एक बेस्ट कैमरा फोन सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक संपर्क कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।